जहां पर घोसी उपचुनाव में सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह की बेटी सुजीत सिंह पर एफआईआर दर्ज की गई है। वह पूर्व ब्लॉक प्रमुख है। सुजीत सिंह पर एक सिपाही को फोन करके डराने धमकाने के आरोप लगे हैं। इस पूरे मामले में रविवार सुबह डिप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उपचुनाव को लेकर ब्रजेश पाठक का समाजवादी पार्टी पर हमला। बोला उन्होंने कहा कि सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह ने एक सिपाही को फोन करके धमकाया है। जिस तरीके से सपा प्रत्याशी के बेटे ने चौकी इंचार्ज को धमकी दी है वह अराजकता का प्रमाण है। सपा पूरी तरीके से अराजकता पर उतर आई है। घोसी उपचुनाव में कि वोटिंग 5 सितंबर को हो, यहां सुधाकर सिंह का मुकाबला बीजेपी के दारा सिंह से है। थाने में एफआईआर दर्ज करा दी गई है जो सुसंगत धाराओं में है और तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। गिरफ्तारी होने के साथ ही उनके जो हथियारबंद लोग हैं, जो गुंडे लोग हैं, खुलेआम आम जनता को धमकाने का काम कर रहे हैं। कल रात में सूचना मिली कि समाजवादी पार्टी के कुछ लोग गाड़ियों में पैसा भर करके घूम रहे हैं, चुनाव को अपने सिस्टम से निकलता देख करके हार सुनिश्चित मान करके। तो मैं निर्वाचन आयोग से मांग करता हूं कि पूरी निष्पक्षता के साथ चुनाव हो और हर स्थिति में, किसी भी स्थिति में गुंडों को वहां घुसने न दिया जाए।